बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो लेट्स लीव टुडेस मोमेंट्स। कल बादल काफ़ी ज़्यादा नीचे आए थे और इस तरह लग रहा था कि बर्फबारी होगी, लेकिन कल रात को भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। सुबह मैंने उठा, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बारिश होगी, लेकिन बादल हट गए और अभी तो सनशाइन है, तो बर्फबारी का प्रोग्राम तो बढ़ गया। लेकिन ये जो ऊपर माउंटेंस में थोड़ी बर्फबारी हुई है, लेकिन अभी भी बादल हैं तो चांसेस हैं कि फिर से कोई माहौल बने और बर्फबारी हो। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड द जिम। आज चेस्ट और ट्राइसेप लगाएंगे, आज मैं बाइक लेकर के जा रहा हूँ। सो लेट्स गो टुवर्ड द जिम। ये देखो भाई, ये माहौल हुआ पड़ा है, सूरज कभी निकल रहा है कभी बादलों के पीछे जा रहा है। तो हेलमेट उठाते हैं, ट्राईपॉड और बैग में मैं बेसिकली पानी रखता हूँ, क्योंकि पानी ज़रूरी होता है जिम में। जिम भी हो गया, अभी घर वापस आया हूँ मैं जिम से, और अभी मैं जा रहा हूँ वॉक पर। बेसिकली शहर का ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर वॉक करने के लिए काफ़ी अच्छा सिस्टम आपको मिलता है। रोड यहाँ पर इस तरह का है जहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं, और इतने ज़्यादा लोग भी यहाँ पर होते नहीं हैं, बहुत ही कम गाड़ियाँ आपको देखने को मिलते हैं। ये देखो भाई, यहाँ भी काफ़ी अच्छा व्यू हुआ पड़ा है, चेक करें ज़रा, ज़बरदस्त यार, क्या व्यू यहाँ पर। जहाँ से जब आप गुजरें तो काफ़ी ख्याल किया करें, ऊपर देख रहे हैं आप ये पहाड़ जो है, ये सारा पहाड़ जो है यहाँ पर कोई काम हो रहा है, इसको काट के लेके जा रहे हैं, तो ये गिर जाता है, कभी कभी भी गिर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब भी यहाँ से गुजरें तो ऊपर देखते हुए इस तरह, फिर यहाँ से आप लोगों ने गुजरना है। बिजली का ये जो सिस्टम बना हुआ है यहाँ पर, इसके करीब मैं पहुँचा था, तकरीबन ये बात है तकरीबन 4-5 साल पहले की, जब हम यहाँ पर घर बना रहे थे, तो मैं एक बंदे के साथ बाइक पे आ रहा था। तो जैसे ही हम इस खंभे के करीब पहुँचे, तो अचानक से इस तरह हुआ कि ऊपर से ये जो माउंटेन है ये नीचे गिरने लगा, हमने बाइक उधर ही छोड़ दी और हम वहाँ से निकल गए। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर पत्थर गिरे थे, तकरीबन ये जो एरिया है ना यहाँ का, इस खंभे का, यहाँ से मैं ऊपर से चल के आया इस तरह, और फिर ले जाकर के उन बंदों को मैंने खाना दिया, वो जो काम कर रहे थे वो घर बनाते टाइम, उन लोगों को फिर मैंने खाना दिया और फिर वापस आया। तो इतना ज़्यादा पहाड़ एक ही टाइम पे गिरा था, वो बंदा बाइक को अच्छे से कंट्रोल कर सकता था, इसलिए हम बच गए। ये जो खम्भा आपको दिख रहा है ये इस तरह टेढ़ा इसलिए हुआ कि यहाँ से कोई पत्थर लगा, इसलिए ये टेढ़ा हुआ। और मेरा एक दोस्त है यासिर, वो कहता है कि जब मैं गुजर रहा था यहाँ से, तो एकदम से वो पत्थर गिरने शुरू हो गए। अब उसने कहा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो इस खंभे के पीछे जा कर के वो चुप गया, तो कुछ पत्थर इससे टकरा गए, कुछ इसके साइड से निकल गए, और वो कहता है कि मुझे तो लगा कि मैं तो मर गया, लेकिन बच गया वो। तो ये खंभा जब भी मैं गुजरता हूँ उसकी वो स्टोरी मुझे याद आती है। तो एरिया काफ़ी डेंजरस है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जितना भी एरिया है ना जहाँ से पत्थर गुजरते हैं, इसको इस तरह करे कि कोई वो बिल्डिंग टाइप बना के ना, छत बना करके, जिस तरह गर्म चश्मा में जब मैं इस बार जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर इस तरह का एक सिस्टम बना है छोटी सी जगह पर, वो टनल वाला सिस्टम एक छोटा सा बना है, ताकि पत्थर जितने भी गिरे वो ऊपर से गिर के उस साइड पे गिरे, और इसकी व्यू भी उसके बाद काफ़ी ज़बरदस्त होगी। यहाँ से स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा गुजरते हैं, तो आप जितने भी लोग यहाँ से गुजरते हैं, कोशिश करें कि यहाँ से गुजरते टाइम ऊपर देख लिया करें, और यहाँ से जल्दी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं इस जगह को, क्योंकि ये जो जगह है ये काफ़ी डेंजरस है। जैसे चित्राल का पानी आजकल काफ़ी साफ साफ चल रहा है, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। यूजुअली यहाँ का पानी इतना साफ होता नहीं है, ये अपर चित्राल से आने वाला ये ओशन का सिस्टम है, ये रिवर का सिस्टम है, तो ये यूजुअली इस तरह होता है कि इतना साफ होता नहीं है,
क्योंकि बहुत सारे जगहों से पानी मिक्स होता है ना, तो कहीं से गंदा होता है कहीं से साफ होता है, तो ये साल में तकरीबन 5-8 महीने तो ये खराब ही रहता है, लेकिन अभी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही साफ हो गया है। आज तो फिर भी थोड़ा उसमें मिक्सचर दिख रहा है, लेकिन 2 दिन पहले बहुत ही ज़्यादा साफ था, क्योंकि कल बारिश हुई थी शायद, उस वजह से थोड़ा मिक्स हो गया होगा मट्टी वट्टी उसमें। और क्या ही बात होगी अगर यहाँ पर लोग ट्रीज लगाएं इन सारी जगहों पर, क्योंकि ये मट्टी जो यहाँ पर पड़ी है ये अच्छी नहीं लग रही, तो अगर यहाँ पर ट्रीज वीज लगाए जाएँ तो ये जगह काफ़ी खूबसूरत हो सकती है, और वहाँ पर टनल का कोई सिस्टम किया जाए अगर गवर्नमेंट कर दे तो। जब जिम से घर आया मैं तो प्रोटीन खाने के लिए, अंडा वंडा खाने का कोई मूड था नहीं, तो मैंने देखा कि वहाँ पर अखरोट पड़े, और मैंने अखरोट खाए इस चीज़ के साथ, इस चीज़ को ये शोष्प कहते हैं ये खुआर में। अब ये बनता कैसे, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोसेस है इसका, इसके ऊपर मैं कोई वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा फिर, लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। ये अखरोट से और ये फ्लोर से मेरे ख्याल में इस तरह करके कुछ बनाते हैं, बहुत ही लंबा स्टेप है इसका। चित्राल में ये काफ़ी मशहूर है, और मैंने सुना कि बूनी में एक लेडी है, ओल्ड लेडी, वो बनाती है इस तरह, उसका दुकान है काफ़ी, वो चलता है, तो इसके ऊपर भी कोई वीडियो बनाएंगे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और काफ़ी टाइम तक ना हज़म नहीं होता जब आप इसको खाते हो, तो भूख काफ़ी टाइम तक ख़त्म ही रहती है, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये वाली रोड जो जाती है ना, ये भी मेरे ख्याल में ऊपर जाके देनीन का ही कोई एरिया है, यहाँ पर भी ऊपर गांव कुछ है और देनीन का हिस्सा है वो, ये मेरे ख्याल में देनीन ही है यहाँ से जो स्टार्ट होता है। ये देखें ऊपर क्या ज़बरदस्त सीन है, सामने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ बैठते हैं, उनको देखते हैं, पानी वानी पीते हैं, उसके बाद तो ये जो जगह है ना यहाँ पर, तो कोई वीडियो बनानी है या कोई पिक्चर विक्चर देनी है, काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है। ये देखो भाई बंदे मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, इनकी गाड़ी खड़ी है, चलो हलाल रिजिक कमाते हैं, ज़बरदस्त काम है हराम कमाने से। ये ऊपर आपको दिख रहा होगा माउंटेन्स पर बर्फ़ पड़ी हुई है। ये जगह भी तकरीबन सवाद की तरह बंदा जा रहा है, प्रमोट होता जा रहा है, और यहाँ पर रोड्स भी पहले से बेहतर हैं चित्राल में। और एक और चीज़ जो बड़ी कमाल की हुई है चित्राल में, मैं पिछली बार आया था तो ये नहीं था, ये जो सामने रिक्शा आपको दिख रहा है, ये रिक्शे वालों की सर्विस आजकल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गई है। एक दिन मैं जा रहा था ये रिक्शे वाले बंदे के साथ, मैंने उससे कहा कि ये चित्राल में रिक्शे किस तरह चलते हैं, तो उसने कहा कि हमारे लिए और सवाद वालों के लिए बहुत ही ख़ास टाइप के बनाते हैं, जो चढ़ाई पे भी चढ़ सकें, तो ये काफ़ी मज़बूत होते हैं एज़ कम्पेयर टू पिशावर वालों के लिए जो बनाते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे पैसे बहुत ही कम लेते हैं ये लोग, और जितना भी लेते हैं इनका हक है, तो काफ़ी जान छूट गई है आजकल, बाजार बाजार जाते ना तो काफ़ी सिस्टम अभी ठीक है पहले से। ट्री यहाँ पर इसको ना सामने वाली वो, एक मिनट, ये वाली जगह से उखाड़ करके वो सैलाब उसको यहाँ ला करके फेंक दिया इसे। वाह, ऊपर ये जगह बिरमोल लास्ट है, यहाँ भी किसी दिन जाना यार, बड़ी ज़बरदस्त जगह है ये। यहाँ पर कुछ बना है तहमान फैमिली गेट हाउस, इसका व्यू काफ़ी अच्छा है, यहाँ जा पर अगर आप स्टे करें तो ये सामने देखें, काफ़ी अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा, तो इट्स ए गुड ऑप्शन। एक ऊपर भी बना है वहाँ पर कुछ, एक मिनट, चित्राल फोर्ट व्यू, ये भी होटल टाइप का कुछ है मेरे ख्याल से, यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। यहाँ वॉकिंग का ज़बरदस्त माहौल बना है आज, आज भी अगर बंदा घर बैठे ना, बहुत ही ज़बरदस्त वाइब्स है आज, क्योंकि बारिश हुई है ना उसकी वजह से सारा कुछ क्लियर आउट हुआ है, और आज वेदर बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इंजॉयबल जनवरी गई है इस साल। और ये कोई, हाँ, आफाक मॉडल स्कूल है अबरार भाई का, पहले वहाँ था अभी यहाँ पर लाए, सारा क्लोज सिस्टम बनाया है अभी, ठीक है। ये हमारे फरीद सर, मैं जब पढ़ता था चित्रा पब्लिक स्कूल में तभी हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, अभी तो मेरी काफ़ी दाढ़ी वाड़ी है इस तरह, इसलिए मुझे पहचान नहीं रह गई कौन है, लेकिन मैं इनको भी पहचानता हूँ, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है इनकी, काफ़ी अच्छे इंसान है।
नीचे यहाँ भी खेल रहे हैं लड़के समंदर के किनारे। ये भी एक अलग इंजॉयमेंट है खेलना फुटबॉल इस तरह की जगहों पर। ऐसे चित्रालियों को फुटबॉल खेलने का काफ़ी शौक है। ऐसे चित्राली मुझे भी काफ़ी शौक है फुटबॉल खेलने का। हम तो पागल थे फुटबॉल के पीछे, वो कहानी फिर किसी दिन। बट अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, शहराज के घर के करीब पहुँचा हूँ, तो वहाँ जाएंगे, उससे थोड़ा गपशप लगाएंगे, उसके बाद घर की तरफ वापस। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये शाही किला, इसमें भी जाएंगे, कभी वीडियो बनाएंगे इसकी। और ये रहा शाही मस्जिद, इसकी भी कोई वीडियो बनाएंगे। So this is the end of this vlog. Until the next vlog, make sure to subscribe to my channel, Live Your Life Movements, and take care.